हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के। आपको न्यूमेरिकल अगर मुश्किल लगते भी हैं तो मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स करना। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक इस समय है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसको ले आओ। और अगर अवेलेबल नहीं है तो जितने न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर आज करूँगा मैं, वो सारे ध्यान से आपको देखने हैं, पहले देखने हैं और फिर करने हैं। वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करेंगे वो नंबर नोट कर सकते हो, टिक कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। ये एक्सरसाइज सेकंड है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। न्यूमेरिकल्स जो कवर होंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19, 2.21 एंड 2.22। ये सब न्यूमेरिकल्स अपने इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम लोग। इनको ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व होते हैं। ये पूरी वीडियो करने के बाद न्यूमेरिकल्स आपको भी बहुत आसान लगेंगे। सिर्फ मेथड को क्राइम करने की कोशिश करो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, टू चार्जेस 5×10⁻¹ कूलम एंड −3×10⁻¹ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। कोई दो चार्ज दे रखे हैं अपने को, उनकी वैल्यू गिवन है। सपोज एक चार्ज है क्यू ए और दूसरा क्यू बी, दोनों के अंदर डिस्टेंस भी गिवन है, सपोज आर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये, तो आपको चार्जेस की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट अज्यूम करना है, निकालना है। सपोज पी इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, और ये जो पी पॉइंट है मान लेते हैं ए से एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एक्स। ध्यान रखना है अपने को क्यू ए की वैल्यू गिवन है, क्यू बी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कारण प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, वी बी इज इक्वल टू जीरो। यही तो बोला कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, मैंने दोनों का पोटेंशियल निकाला और इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। वी ए कितना होगा, मीन्स जो ए पर चार्ज रखा है क्यू ए, उसके कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्यू ओवर 4πε0, डिस्टेंस कितनी यहाँ से एक्स, प्लस वी बी इस पॉइंट पर बी के कारण कितना होगा, क्यू बी ओवर 4πε0 आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये 4πε0 कॉमन आगे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्यू ए मालूम है, क्यू बी मालूम है, एक्स निकालना है अपने को, आर की वैल्यू इवन है, जस्ट वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। सेकंड न्यूमेरिकल, ए रेगुलर हेक्सागन, सेकंड न्यूमेरिकल, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 μC एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। हेक्सागन बनाओ, पहले हेक्सागन गिवन है अपने को, इसके हर वर्टिसेस पर चार्ज गिवन है कितना, 5 μC का। ये देखो 5 μC की चार्ज रख दी हर कॉर्नर के ऊपर, और साइड भी गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालें, अब ड्यू टू सिमेट्री जितना पोटेंशियल एक ही कारण होगा, सभी कारण सेम होगा, तो ए के कारण पोटेंशियल निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस ये सपोज ए बी सी डी ई एफ और सेंटर का नाम ओ, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल जो टू चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट ए। अब ये निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, फार्मूला यहां भी लिखा हुआ है, क्यू ओवर 4πε0 आर, ये डिस्टेंस कितना होगा। एक पॉइंट पर 360 एंगल बनता है, यहाँ 6 एंगल बने हैं, तो हर एक एंगल कितने का बनेगा, ये वाला 60 का,
इट मींस ये भी 60 का बन गया, साइड सीट बदल दी ये वाली, और ये भी 60 बन गया, इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। मींस अगर ये डिस्टेंस अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो 6 क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चार्ज कितना 5 माइक्रो कूलम्ब। इन सब को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना मत भूलना, मींस 5 माइक्रो कूलम है, 5 इनटू 10 टू पावर -6 कूलम, आर 10 सेंटीमीटर है, ऐसा ही सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा। क्यों मालूम है, आर मालूम है, कांस्टेंट होता है, वैल्यू इसकी मालूम है, पुट करो और सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल 2.3, अभी इनको वीडियो के अंदर समझ लो फिर इनको सॉल्व करना। टू चार्जेस 2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और उसको ड्रॉ करते जाओ, एक 2 माइक्रो कूलम का है, एक -2 माइक्रो कूलम का है, बीच में डिस्टेंस कितना 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, हमने एक आर्टिकल किया था कि डायपोल, डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये भी तो डायपोल बन गया, 2 माइक्रो कूलम -2 माइक्रो कूलम। डायपोल की इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो था, तो हमसे ये पूछा है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो एनी सिस्टम व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स इक्विटोरियल लाइन, जो प्लेन इक्विटोरियल लाइन के पैरेलल में है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर है, दैट विल बी इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर कहते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, कोई भी सरफेस हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कोई स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है अपने को, ये स्फेरिकल कंडक्टर बना लिया 12 सेंटीमीटर की रेडियस भी ले ली, हैज ए चार्ज ऑफ दिस, चार्ज भी गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन इट सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, पॉइंट 18 सेंटीमीटर तो पॉइंट है पी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है। गॉसेस की थर्ड एप्लीकेशन थी, होलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इनसाइड भी निकाला था, आउटसाइड भी निकाला था और ऑन द सरफेस भी निकाला था, वहां रिजल्ट क्या था कि होलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना हो एनीवेयर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर हमें अब पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या निकालना था अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ न्यूमेरिकल ये वाला मैंने इसे लिखा है 2.4, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप गॉसेस की हेल्प से कर दोगे तीनों रिजल्ट अप्लाई करके, पोटेंशियल निकालना तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला था क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ओवर आर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, जो क्वेश्चन यहाँ लिया मैंने, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है, कितना होता है और जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालोगे वो पोटेंशियल होगा, और बाहर निकालना हो तो आर की वैल्यू हम 18 सेंटीमीटर ले लेंगे। मीन्स जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दूं मैं, यहाँ तीन पार्ट बन गए, तो तीनों पार्ट के अंदर कैसे निकालेंगे, इनसाइड पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, ऑन द सरफेस कॉन्स्टेंट, कितना दोनों पार्ट्स के आंसर सेम, और बाहर निकालना होगा तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ऑन द सरफेस भी अप्लाई किया ये वाला,
यहाँ आर कितना लोग गया आर 18 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 2.4 की बात, 2.12 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है, इसके अंदर भी एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। पहले आपको रिजल्ट बताता हूं इंपॉर्टेंट। प्लस वन के अंदर एक फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी नेचर थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, मींस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ इनडिपेंड होता है। इन सिमिलर वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस मैगल का उत्तर हो गया तो समझ में आएगा। ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया और उसके सेंटर के ऊपर चार्ज रख दिया, कितना 8 मिलीकूलम का, मिली मींस 10^-3 इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ दिस, कोई चार्ज दे रखा है -2 × 10^-9 कूलंबर फ्रॉम ए पॉइंट 0.03 सेंटीमीटर का, मतलब ये अगर मेरी जेड एक्सिस है तो 0.03 कहाँ बनेगा 1, 2, 3 टू ए पॉइंट 0.040 का मतलब अगर ये वाई एक्सिस है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ एक चार्ज था क्यू डैश जिसकी वैल्यू भी वन अपने को, उसको ए से बी तक ले गए हम, आगे कुछ बोल रहे हैं ये वाया ए पॉइंट 069 सपोज ये वाला है वाई जेड प्लेन के अंदर आ गया ना 069 एक चार्ज है क्यू डैश जिसको ए से बी तक ले गए वाया सी, ऐसे करना क्या अपने को कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क निकालना ऐसे करने के लिए कितना करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया आपको वर्क का फार्मूला क्या होता है, मैंने ये बताया आपको कि वर्क का फार्मूला जिस अगर किसी चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू जो चार्ज लेके आते हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं ए से बी, तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का वी बी माइनस वी ए इंटू जो चार्ज मूव कर रहे हो आप क्यू डैश, सिंपल क्यू डैश चार्ज को ए से बी ले गया कितना वर्क करना पड़ेगा दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इंटू जो चार्ज ले गया। इस चार्ज का रोल क्या है, ये जो पोटेंशियल निकाला हमने वी ए एंड वी बी इसी चार्ज का हमने निकाला है, कैसे पोटेंशियल का फार्मूला आपको आता है क्यू ओवर 4πε0r, जब वी ए निकालूंगा तो आर 3 सेंटीमीटर वी बी निकालूंगा तो आर 4 सेंटीमीटर। तो कंजर्वेटिव होने के कारण वर्क डन इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही चीज समझने वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट 2.13 कहते हैं क्यूब ऑफ साइड बी, क्यूब है कोई हमारे पास जैसे रूम है हमारा सपोज क्यूब ही है, साइड कितनी उसकी बी, हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर वर्टिस के ऊपर चार्ज रख दिया गया, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, दो पार्ट है इसके, ये कोई क्यूब था कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, क्यूब के कितने वर्टिस बनेंगे कॉर्नर्स, चार ऊपर और चार नीचे, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 8 चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पर। अपने को क्या करना है इस क्यूब के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं भी
चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलेगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। क्यों? सिमेट्री होने के कारण आपस में कैंसिल कर जाते हैं अपोजिट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर सिमेट्री है तो टोटल पोटेंशियल एक चार्ज के कारण निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। एक ही काम कितना कैसे निकालूंगा? फार्मूला भाई, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कौन सा लोगे? चार्ज तो गिवन है, आर कौन सा लोगे? ये भी रिजल्ट याद रखोगे, क्यूब के कॉर्नर से सेंटर तक की डिस्टेंस हमेशा √3/2 ये होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व भी कर सकते हैं हम, आप डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर लो कि कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस इन केस ऑफ क्यूब √3/2 ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट कौन सा था? ये 13th क्वेश्चन था। अब 14th तो कहते हैं टू टेनिस स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। दो चार्ज दे दिए अपने को, एक 1.5 माइक्रोकूलम का और एक 2.5 माइक्रोकूलम का। लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, बीच में गैप दे दिया। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बनाते हैं बोर्ड के ऊपर। हर न्यूमेरिकल में बोलता हूँ आपको, स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और ड्रॉ करते जाओ। आधा न्यूमेरिकल तो कभी सॉल्व हो जाता है, समझ में आ जाता है अपने को। ये देखो दो चार्ज थे, 1.5 माइक्रोकूलम और दूसरा 2.5 माइक्रोकूलम। सेपरेशन कितना था बीच में? गिवन तो था शायद 30 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट पर निकालो। इसके दो पार्ट बुक्स में बना रखे हैं और फर्स्ट पार्ट के भी दो पार्ट है, ये ए और ये बी। ए का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा पहले मैं। कितना? दो चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, इसके कारण आउटवर्ड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो वेक्टर्स में 180 एंगल माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करोगे? ज्यादा किसकी वैल्यू आएगी? जो चार्ज ज्यादा वैल्यू का है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस तो बराबर है दोनों की। ई बी माइनस ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम? क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर भी गिवन आपको, टोटल 30 था, 15 ये ले लेना, 15 ये ले लेना। ई बी भी निकाल सकते हो इस फार्मूले से, ई ए भी निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स बी ए, क्योंकि ई बी की वैल्यू ज्यादा है। ए का ही सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का रोल ही नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल वी ए प्लस वी बी। वी ए कैसे निकालोगे? हर न्यूमेरिकल में लिख रहे हैं फार्मूला, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी बी भी ऐसे निकालोगे, जब वी ए निकाल रहे हो तो चार्ज ये ले लो, जब वी बी निकाल रहे हो तो चार्ज ये ले लो, डिस्टेंस दोनों में 15-15 सेंटीमीटर लेना है आपको। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, 14th का, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग टू द मिड पॉइंट। अभी तो मिड पॉइंट पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने, अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट है से पी, यहां निकालना है। आर्टिकल में क्या रहा सॉल्व हमने कि डायपोल था, ये डायपोल नहीं है, मैं जस्ट मैथड बता रहा हूं आपको। डायपोल के इक्विटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था हमने, वैसे ये वाला करोगे आप।
पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं हम बी के फर्स्ट पार्ट के अंदर। पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखा रहा हूँ। ए पर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल निकाल लो, बी पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो और सिंपली दोनों को ऐड कर दो जैसे यहाँ किया था। इसमें अलग क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग पार्ट ये वाला है। आपको ये डिस्टेंस मालूम है 15, ये डिस्टेंस मालूम है 10। पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लो, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, जितना ये डिस्टेंस आएगा उतना ही ये आएगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। यही पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। ये लिख देता हूं यहां ई ए, आगे ई बी। अब दोनों को ऐड करना है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आपको बोला मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स से भी बहुत आसान है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये एंगल सपोज अल्फा, आगे बीटा, एंगल इक्वल होंगे वाले का। ये डिस्टेंस बराबर है हमारी, तो ये एंगल भी इक्वल मिलेंगे। तो आप दोनों को अल्फा बीटा को ले, तो अल्फा ले लो यहां पर, इसको रिजॉल्व करो। ई ए साइन अल्फा, ई बी साइन अल्फा, यहाँ ई बी कॉस अल्फा और इधर ई ए कॉस अल्फा। एक लेफ्ट में गया एक राइट में गया, अगर चार्ज बराबर होते तो कैंसिल कर जाते। अब दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों में 180 का एंगल है, बड़े वाले में छोटे वाला माइनस कर देना। किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ई बी की, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचेगा ई बी, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इधर ये लिख देता हूँ पूरी वैल्यू, इस तरफ कौन सा आएगा, ई बी साइन अल्फा माइनस ई ए साइन अल्फा, और यहाँ आया ई ए कॉस अल्फा प्लस ई बी कॉस अल्फा। चार वेक्टर्स ऐड करने थे, अब चार में से दो बन गए यहाँ पर, इनका एक मिल गया अपने को, इनका मिल गया, दोनों एंगल 90 का। तो उसके बाद फॉर्म लगा दो, ई इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर अंडर द रूट। ई वन किसको बोला मैंने, इसको बोल दिया, ई टू किसको बोला, इसको बोल दिया। जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है स्पॉज ये अल्फा तो ऊपर ले चुके, थीटा ले लो, और टैन इन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, बी बाई ए मीन्स ई वन बाई ई टू। एंड सॉल्व करना है, ये सेकंड पार्ट इसका लेंथ ही बन जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब तो टाइम होता है आपके पास पूरा, एक बार पूरा सॉल्व करो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14th के बाद 2.15। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बना लेते हैं पहले, क्योंकि आपको हर बार यही बोलता हूं न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेस्ट मेथड यही है, रीड करते जाओ और बनाते जाओ। कई बार स्टेटमेंट लंबी होती है, कंक्लूड करने में मुश्किल आती है, और बना रखा है ड्रा कर रखा है तो मुश्किल आएगी नहीं। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू। इनर आउटर रेडियस की बात कर रहे हैं तो दो सर्फेस बना दिए, ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस, ये ड्रा कर दिया हमने शेल अपनी को। इनर रेडियस आर वन गिवन है, आउटर वाली आर टू गिवन है, और चार्जेस के पास क्यू, बाहर कुछ हो गया चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अब कहते हैं ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, यहां स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, शेल का मतलब होलोस्फीयर। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल,
सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज ओवर सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन क्यों बना? इनर आउटर का, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा तो बाहर प्लस क्यू आएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम इनर की निकालें, इनर सरफेस के लिए कितनी बनेगी? टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? माइनस क्यू, और सरफेस एरिया 4πr1² और सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर के लिए टोटल चार्ज कितना है? क्यू तो पहले था, प्लस क्यू हो रहा है तो क्यू प्लस क्यू ओवर 4πr2² सिंपल। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कहते हैं इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज जीरो इवन इफ शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन। जो गॉसियस थ्योरम की वीडियो थी उसके अंदर हमने प्रूव भी किया था कि जरूरी नहीं है कि हो तो कंडक्टर स्फेरिकल हो तभी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आर्बिट्रेरी किसी भी शेप के लिए हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। भाई यही तो प्रॉपर्टी है, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका प्रूफ जो गॉसियस थ्योरम की फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर आप देख सकते हो। जो 0.15 हो गया उसके बाद 2.18 इसको लॉक कर देते हैं पहले। न्यूमेरिकल्स का सिर्फ एक हवा होता है कि हमें आते नहीं, होते नहीं। स्टेटमेंट को पढ़ो, थ्योरी अब निकल ली है, कॉन्सेप्ट बन गया माइंड में, प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिटा दिया और ये प्रोटॉन, दोनों में डिस्टेंस दे दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻¹⁰ मीटर। ए पार्ट एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। जब दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। यही इन्होंने बोला इस लाइन के अंदर। एक वर्ड और यूज किया इन्होंने यहां नया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी की, और सिंपली कह सकते हो एनर्जी की यूनिट होती है। प्लस वन के अंदर सिखाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻¹⁹ - 19 जूल। पहले थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन करूंगा, बाद में करेंगे न्यूमेरिकल। हम प्लस वन में तो रट्टा लगाते हैं, इसको थोड़ा और फिजिकली सोचो कि हाउ दिस टू आर इक्वल। आपको वर्क का फॉर्मूला बताया चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर मैं चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का लेता हूं ईवी, क्यू इज इक्वल टू ई, एंड व्हाट इज ई? 1.6 × 10⁻¹⁹ - 19 कूलम। ई की जगह तो ये आएगा कूलम, और वी का वोल्ट, कूलम वोल्ट। एनर्जी की नो डाउट जूल होती है, लेकिन जब एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल है तो कूलम इंटू वोल्ट भी तो एनर्जी की यूनिट है। कूलम वोल्ट का मतलब जूल, कूलम वोल्ट का मतलब जूल। तो इसीलिए हम लोग वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितने जूल के लिखते हैं। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 ओवर 4πε₀ आर। Q1 कितना है? इलेक्ट्रॉन ही तो है, उसका चार्ज ये लिखा हुआ है यहां पर भी, लिखा भी 1.6 × 10⁻¹⁹ Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। 1/4πε₀ की वैल्यू को मालूम है, आर भी मालूम है, आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व।
ये जूल में आएगा, आपको किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करो इसको वन बाय क्या करोगे अब यहाँ पर, इसे डिवाइड कर दो, मीन्स 1.6 इनटू 10 पर माइनस 19 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर किसमें मिल जाएगा, जूल में, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है हमारा। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन ए पार्ट के अंदर जो मिला है। सपोज इसको सॉल्व कर लिया और मेरे को जो नंबर मिला मैंने उसको नाम दे दिया E1। ये E1 क्या निकाली मैंने, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। आप देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, प्लस वन में भी एक सिमिलर टॉपिक भी आता है हमारा, कौन सा था, सैटेलाइट वाला। एक सैटेलाइट प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करता है, वहाँ बाइंडिंग एनर्जी भी निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं, कुछ रिलेशन आता है अगर ध्यान में हो तो। मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, रिमाइंड करवाता हूँ पहले आपको। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट दैट वाज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास ए, तो ये थी माइनस ए बाय टू। लेकिन ना इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, इसका फायदा नहीं मिलेगा अपने को। कहते हैं क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां अप्लाई कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी हमने, E1, तो ये कितनी मिलेगी, E1 बाय 2 माइनस E1। माइनस E1 क्यों लिखा, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करेंगे हम, यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, तो यहां नंबर जो मिलेगा आपको माइनस में मिलेगा। तो यहां से क्या मिल गया, ए बाय टू माइनस ए हो तो क्या मिलेगा, माइनस ए बाय टू, मीन्स माइनस E1 बाय 2। मीन्स सेकेंड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था उसका हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था दोबारा से पढ़ लो इसको। What is the minimum? ये था क्या? What is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A? तो total energy निकाल ली यहाँ पर, binding energy कितनी होगी, इसको अलग करने के लिए कितनी energy देनी पड़ेगी अपने को? Energy second part का आंसर है। Energy required is equal to E1 by 2। ये तो था अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो यहां बता रहा था आपको प्लस वाला कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर रहे थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तीनों के अंदर रिलेशन निकालते थे वहां पर। यहां बोलते थे काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो उसके बाद एक बाइंडिंग एनर्जी आती थी हमारे पास, जितनी टोटल एनर्जी है उसके इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द और रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑर्बिट। ऐसे ही यहां निकाला है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो अलग करने के लिए चाहिए अपने को। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, एक और पार्ट है इसका। व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी अबव इफ जीरो पोटेंशियल इज टेकन टू एट 1.06 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ना, उसमें यह गिवन था कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
कि जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी वो कहां लेनी है अपने को 1.06 एंगस्ट्रॉम पे, ऐसे यहां इलेक्ट्रॉन और यहां प्रोटॉन, ये वाला डिस्टेंस है, अब जीरो लेना है। तो इससे इस पिक्चर के अंदर लेके आएंगे तो टोटल एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा। अब यहां भी निकालो आप पोटेंशियल एनर्जी q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो इस पार्ट का आंसर आया था कि एनर्जी आई थी उसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमने जीरो जो इंफिनिटी पे था उसको पास में ले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 18th, इसके बाद 19th। इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए H2 मॉलिक्यूल, पहले इसको रब कर लेता हूं, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स of H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2+. In the ground state of H2+, the two protons are separated roughly. दो प्रोटॉन है, दोनों में roughly separation given है अपने को कितना 1.5 angstrom का. And the electron is roughly 1 angstrom from each proton. From each proton का मतलब यहाँ मिलेगा? ये भी 1 एंगस्ट्रॉम और ये भी 1 एंगस्ट्रॉम, यहां इलेक्ट्रॉन है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अभी जैसे लास्ट मेडिकल में था, जब चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं हम लोग। ये 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। सपोज ये q1, ये q2 और ये q3, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, कितनी आएगी q1 q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको r1 बोल दिया, इसको r2 बोल दिया, इसको r3, r1 प्लस q1 के q2 ले लिया, अब q1 के साथ q3 ले लो, q1 q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, ये दोनों हो गए। अब आगे चलो q2 के साथ q3, q2 q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, फिर आगे अभी है ना, बात ना तो रिवर्स गियर लगाना है ना टर्म्स रिपीट करनी है, तो ऐसे कितने भी चार्जेस हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखने में आसानी हो जाती है। थ्री चार्ज पार्टिकल थे, q1 q2 लिया, q1 q3 लिया, फिर आगे चला q2 q3, ऐसे चार चार्ज पार्टिकल हो कितने भी ले सकते हो। बाकी ये वाला फार्मूला ड्राइव पे था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और आंसर के लिए सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखोगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव लोगे, जहाँ प्रोटॉन होगा वहाँ पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब 21st, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 00 माइनस ए एंड 00 ए रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 00 जेड एंड xy0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये आर्टिकल है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर सेकेंड पार्ट, ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन गिवन आर बाई ए, मच कर देने वन। फिर जो आर्टिकल्स थे हमारे पोटेंशियल के एक्सियल लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पर, उनके स्पेशल केस फॉरशोर डायपोल, वो सेकेंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट के अंदर वैल्यू गिवन है, उन रिजल्ट्स के अंदर इसको अप्लाई कर दो, आंसर मिलते जाएंगे अपने आप। नेक्स्ट 22, फिगर शोज ए चार्ज अरे नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल क्या होता है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल, दो डायपोल को बैक टू बैक एंटवाइल कर दो ऐसे, देखो ये दो डायपोल ले लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्रोटेक्टर कितना हो गया यहाँ पर माइनस टू क्यू,
इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल। फिगर शोज ए चार्ज अरे नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रपल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल। मतलब ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है भी, यहां से डिस्टेंस ले सकते हो आप कितना a। ये डिस्टेंस कितने ही 12, ये कितने ही 12। आप अब l भी ले सकते हो। p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। इस बार तीन चार्ज है हमारे पास a b c। नेट पोटेंशियल va plus vb plus vc। va कितना बनेगा q और 4 pi epsilon naught a plus 12 लिख दो और सिंपलीफाई करना हो तो ऐड कर दो। vb minus 2q और 4 pi epsilon naught a, फिर vc q और 4 pi epsilon naught a माइनस l। जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये सब न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। आपके पास दूसरी कोई भी रेफरेंस बुक्स हो प्रदीप की, दिनेश की, उसमें से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। नहीं आए तो वीडियो को एक बार और देख लो, फिर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।